अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। समाजवादी यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और बढ़ते अपराध यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उनका कहना है कि यूपी में लगातार कानून व्यवस्था चरमरा जा रही है, जिसकी वजह से आज सफाई कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर समाजवादी यूथ फ्रंट के तरफ से बेहाल किसानों, महंगाई, शिक्षक निजीकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आरक्षण, बीएड प्रवेश परीक्षा में दलित छात्रों को निःशुल्क प्रवेश पर रोक आदि मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के चारों बूथ फ्रंट ने उत्तर प्रदेश का समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। समाजवादी यूथ फ्रंट के कार्यकर्ता सपा कार्यालय पर एकत्र हुए, जिसके बाद पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता जमीन पर लेटकर योगी सरकार गो बैक के नारे लगाने लगे। प्रशासन ने भी पूरे कलेक्ट्रेट पर पीएसी के साथ कई थानों की फोर्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए। आज हम जो समाजवादी पार्टी के युवा फ्रंटल संगठन है हमारे, उन संगठन ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात आज उत्तर प्रदेश के हो गए हैं, जिस तरह की कार्यशैली आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है, जिस तरह के निर्णय सरकार लिए के द्वारा लिए जा रहे हैं, वो कदाचित किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। आज हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो हमारे बेरोजगार हैं उनकी समस्याओं को लेकर, जो हमारे किसान भाई हैं जो कि अपने अध्यादेश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे बिना पूछे अध्यादेश बनाए जा रहे हैं। संसद बंद है, लेकिन क्या ऐसी वजह है जो संसद बंद होने के बाद भी सरकार अध्यादेश लाने का काम कर रही है और किसानों के ऊपर जो कि अन्नदाता है उसके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है, उसको बुरी तरह पीटने का काम कर रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो महिलाओं के सम्मान की बात जो सरकार करती थी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ देश बचाओ की जो बात करती थी, आज महिलाओं के साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर आज चल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जो हालात आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा को लेकर हैं, जो कि फीस को लेकर हैं, जो किसान को लेकर हैं, जो नौजवान को लेकर हैं, जो कि क्या कहते हैं और तमाम जो समस्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो कर्मचारियों के साथ में व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारियों को 50 साल की उम्र में रिटायर करने की बात की जा रही है और तमाम तरह के जो उत्तर प्रदेश के अंदर विभाग हैं उनमें किसी भी तरह की कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर सरकारी नौकरियों की बात हो रही है, ये पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश की जनता का उत्पीड़न हो रहा है। इस सब को लेकर हमने जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर DM साहब के द्वारा ज्ञापन देने का काम किया है।